Again, I am coming with a new video and you watching Current Point. Let's start today's topic. आज मैं कर्फ्यू ई पास के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से. आइए देखते हैं आखिर कर्फ्यू ई पास क्या है, जानते हैं. 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन किया है. यहाँ तक कि 3 मई को लॉकडाउन 3 की भी आवश्यकता पड़ी, जो कि कोरोना महामारी बढ़ते जा रहा है, पूरा देश दुनिया में कहर मचाया जा रहा है, इसलिए लॉकडाउन 3 की भी जरूरत पड़ी है. 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने इस लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई 2020 कर दी और अभी 3 मई को एक नई घोषणा के अनुसार लॉकडाउन 3 भी लागू कर दिया गया है. देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद नागरिकों को आवश्यक सेवाएं जैसे दाल, चावल, डेयरी प्रोडक्ट आदि उपलब्ध कराई जा रही है. इन सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ लोगों को लॉकडाउन में भी बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि ज़रूरत है, जिससे आम नागरिकों के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो. आवश्यक सेवाओं में योगदान देने वाले लोगों के लिए कर्फ्यू पास बनाए गए हैं. अब जानते हैं आखिर कर्फ्यू पास का योगदान क्या है और ये होता क्या है. तो कर्फ्यू पास भारत सरकार द्वारा चिकित्सा पेशेवरों, सार्वजनिक अधिकारियों आदि जैसे मोर्चे पर काम करने वाले लोगों के लिए महामारी के बीच जारी किया गया है एक दस्तावेज. कर्फ्यू पास लोगों को उन क्षेत्रों की यात्रा करने की अनुमति देता है जो लॉकडाउन के अधीन हैं. उन सभी लोगों को जो देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में शामिल हैं, कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं है और वे उन्हें आईडी कार्ड पर बाहर जा सकते हैं. हालांकि अगर उनके पास आईडी कार्ड नहीं है तो उन्हें कर्फ्यू पास की आवश्यकता तो होगी. इसके अलावा निजी संगठनों के कर्मचारियों को उनके कार्यालयों से आते और जाते वक्त कर्फ्यू पास की आवश्यकता होगी, ये मस्ट है. कर्फ्यू पास केवल उन लोगों को जारी की जाएगी जो आवश्यक सेवाओं के तहत काम कर रहे हैं, ना कि आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को दिया जाए. अगर मान लें कि अगर आवेदन करने वाले कर्फ्यू पास आवेदन करने वाले लोगों को अगर ये कर्फ्यू पास दे भी दिया जाए तो जिन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है वे अपने प्राइवेट सेक्टर में शायद वर्क कर रहे हैं, अपने निजी वर्क कर रहे हैं, तो इस तरह से पूरी इंडिया या पूरी दुनिया में ये कर्फ्यू पास लागू हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है. आप लॉकडाउन का मतलब समझ ही रहे हैं. अगर नहीं जान रहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके लॉकडाउन का मतलब भी समझ लें. लॉकडाउन क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है, ये डिटेल में बताया गया है. आई एम कमिंग टू द पॉइंट. तो ये ई पास उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो इस लॉकडाउन के टाइम देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. डॉक्टर, पुलिस, हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी या फिर राशन दुकान, डेयरी फार्मिंग, ये वगैरह वगैरह जो अभी जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी नीड्स हैं, उन लोगों के लिए ये कर्फ्यू पास बनाना बहुत अति आवश्यक है और उन लोगों के लिए बनाया भी जा रहा है. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. वीडियो आपको कैसा लगा वो मेरे को आप कमेंट करके बताओ. वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा, नोटिफिकेशन आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल.